बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कांग्रेस हताश और निराश होती है तो देश विरोधी बयान पर उतर आती है। कांग्रेस के इस बयान से ये साफ नजर आ रहा है कि वो पाक का समर्थन कर रहे हैं और इस समय भी कांग्रेस के नेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे और वो सेना से पाकिस्तान में जाने और उनकी कार्रवाई का सबूत करने की मांग कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी को धिक्कार दिवस भी मनाना पड़ रहा है। आज आप पाकिस्तान आज छुट्टी मना रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। आज आप पाकिस्तान, ये देश का दुर्भाग्य है कि जब जब आतंकवादियों पर या देश के विरोध में काम करने वालों पर कोई कार्रवाई होती है तो कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। सीधे तौर पर हम कहें तो ऐसा महसूस होता है कि वो देशभक्तों के साथ नहीं बल्कि आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। आज आप पाकिस्तान के तमाम चैनल्स देख लें तो उनमें जो कहा जा रहा है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, दिग्विजय सिंह जी ने उसी भाषा का इस्तेमाल किया। ये कांग्रेस का असली चेहरा है, ये कांग्रेस की मानसिकता को बताने वाला चेहरा है।